हमारे शास्त्र में लिखा है कि अगर आपको अमृत पीने का अवसर मिले ना तो अमृत को छोड़ दीजिएगा, अगर स्वर्ग में जाने का अवसर मिले ना, देवता लोग अगर स्वर्ग से विमान लेकर के आए और कहें कि स्वर्ग में चलिए, तो स्वर्ग में जाने का अवसर मिले ना तो स्वर्ग भी छोड़ दीजिएगा, यहाँ तक कि अगर वैकुंठ में भी जाने का अवसर मिले ना तो एक बार वैकुंठ में भी जाने का अवसर छोड़ दीजिएगा, लेकिन सत्संग में जाने का अवसर मिले ना तो उसको कभी मत छोड़िएगा। कबीर जी कहते हैं, राम संदेशा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख होत सत्संग में सो वैकुंठा न होए। जो सुख सत्संग में होता है ना वो वैकुंठ में भी नहीं है। ये कथा कीर्तन रोज रोज हर रविवार को महाप्रसाद ये वैकुंठ में नहीं मिलता है, ये खाली कसिया में और हम लोग के इस्कान में मिलता है। सत्संग कीर्तन भगवान का प्रसाद ये सब हम लोग के सत्संग में मिलता है, वहां नहीं मिलता है। इसीलिए सब छूटे छूट जाए लेकिन सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए।